आज बच्चों की सुरक्षा के लिए तरह तरह की एप्लीकेशन आ रही है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे जिसका नाम है चाइल्ड सिक्योरिटी एप्लीकेशन। आखिर क्या है ये, सुनते हैं इन्हें एमडी राघव जी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन टेक, मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। इस वक्त हम खड़े हैं प्रगति मैदान में, जो फ्रेंचाइज 2018 चल रहा है, इसमें हमारे हम जो पहुँचे हैं इस वक्त चाइल्ड सिक्योरिटी मोबाइल ऐप के स्टॉल पर हम पहुँचे हैं। इनके राघव जी से बात करेंगे, इसके एमडी, वो इस ऐप के बारे में बताएंगे कि ये ऐप किस तरीके की है, किस तरीके से हम देखते हैं कि आजकल बच्चों के लिए ज़रूरी हो गई है वो सिक्योरिटी ऐप, उनके लिए मोबाइल किस तरीके से, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मेरे साथ राघव जी जुड़ गए हैं, मैं इनसे बात करूंगा कि चाइल्ड सिक्योरिटी मोबाइल ऐप क्या है एक्चुअली। हाय, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो पेरेंट्स को, स्कूल को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को आपस में जोड़ती है। आपके बच्चे की सभी जानकारी जो आपको स्कूल भेजना चाहता है वो सीधे आपके मोबाइल फ़ोन पे भेज देता है। जैसे आज बच्चा स्कूल पहुँचा कि नहीं पहुँचा, वो जानकारी आपको आपके सेल फोन पर मिलती है। बच्चे की स्कूल बस की स्पीड कितनी है वो आपको आपके सेल फोन पर मिलती है। मेरे बच्चे ने होमवर्क किया कि नहीं किया वो जानकारी आपको मिलती है। फीस कितनी बाकी है, रिजल्ट क्या आया, जो भी इन्फॉर्मेशन स्कूल को प्रोवाइड करनी है वो सारी की सारी सीधा पेरेंट्स के सेलफोन पर प्रोवाइड की जाती है। इस ऐप को कितना टाइम हो गया है ज़रा बताइए। ये हमारा तीसरा साल है, हमने पहले नेपाल में लॉन्च की थी और हमारे पास अभी 400 स्कूल्स हमारे साथ काम कर रहे हैं और इंडिया में हमने अभी शुरू किया है। इंडिया में अभी शुरू किया है, यानी बहुत तरीके की ऐप है। आप देख सकते हैं कि जाहिर सी बात है कि बच्चों की सुरक्षा को, बच्चों की सुरक्षा हर कोई चाहता है कि बच्चों की, जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक पूरा उसके एप्लीकेशन है, उसमें बच्चों की फीस कब सबमिट होनी है, ये सारी तरीके की तरीके है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राघव जी, साथ बात की। तो जिस तरीके से आपने देखा कि बहुत अलग तरीके की ऐप है भारत में अभी आई है, फिलहाल नेपाल में 400 से ज़्यादा स्कूल में ये ऐप चल रही है। नेक्स्ट नाइन टेक की रिपोर्ट।